बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। छेड़छाड़ के आरोपियों के रिहा होने के बाद ओगड़ा कस्बे में तनाव, प्रदर्शनकारियों ने बंद करवाया कस्बा, एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े। सूर्य नमस्कार में दिखा उत्साह, योग क्रियाएं कर बच्चों ने महसूस की स्फूर्ति व ताजगी। डोडा चोरा तस्करों में हड़कंप, चार आरोपियों की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज, बांसवाड़ा आईजी के आदेश पर कार्रवाई। और पालना ग्रह की घंटी बजी और गूंज उठी किलकार, या दोनों बालिकाएं बाल कल्याण समिति को सौंपी गई। ओगड़ा क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोपियों को रिहा होने के बाद ओगड़ा कस्बे में तनाव का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने कस्बा बंद करवाया है, एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की है और कस्बे के बाजार पूरी तरीके से बंद करवाने का आह्वान किया है। जमकर नारेबाजी की जा रही है, टायर जलाकर पुलिस के विरोध में नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें उदयपुर जिले के ओगड़ा कस्बे की है। आज यहाँ आक्रोशित ग्रामीण सुबह से उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तनाव का माहौल बना हुआ है। करनी सेना, भगत सिंह दल आदि के नेतृत्व में ग्रामीण काले झंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौके पर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ओगड़ा में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया था। ग्रामीणों ने छेड़छाड़ के एक आरोपी की जमकर धुनाई कर दी थी और थाने का घेराव किया था। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया था। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्राओं से छेड़छाड़ के 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद माहौल शांत हो गया था, मगर कल जब गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने चारों को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि थानाधिकारी ने केस डायरी में गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण नहीं लिखे हैं। कोर्ट का यह भी ऑब्जर्वेशन रहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार आरोपियों को बिना नोटिस दिए गए गिरफ्तार किया गया, जो उचित नहीं था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हाथों हाथ जमानत भी दे दी। इसके बाद माहौल गर्मा गया और आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। जय श्री राम, वंदे मातरम और थानाधिकारी हाय हाय के नारों के साथ बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया। धरना स्थल पर फिलहाल नारेबाजी चल रही है व पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि थाना अधिकारी उत्तम सिंह की लापरवाही से पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बावजूद चारों आरोपियों को जमानत मिल गई। चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इधर इस मामले में एक और पक्ष सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह मामला व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है। जिस कार से पीछा करने की बात कही जा रही है, उसका जीपीएस लोकेशन एक ही जगह होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही मामले को सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है मामले से जुड़े एडवोकेट का, आप भी सुनिए। कोर्ट ने इसमें क्या है, पुलिस ने अनुसंधान सही नहीं किया और इनको गिरफ्तार गलत किया, क्योंकि इसमें 41 का नोटिस, 7 साल तक की सजा में 41 सीआरपीसी का नोटिस देना जरूरी होता है, वो पुलिस ने इनको दिया नहीं, इसलिए गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए न्यायालय ने उनको रिहा करने का आदेश दे दिया। इसमें मेरे पास जो दुकान मालिक है शांतिलाल जी, वो भी आए हैं और उन्होंने ये कहा कि मेरे दुकान के अंदर घुस के, मेरे यहाँ पे जो ये काम करता है फराज, तो ये दुकान के अंदर घुस के और हमारे यहाँ तोड़फोड़ की और मेरे कंप्यूटर भी तोड़ दिया और मेरे को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि इनको ये मियाँ भाई है और इनको यहाँ से खाली करके रवाना करा दो, नहीं तो तुम्हारे को भी यहाँ रहने नहीं देंगे ओगड़ा में और तुम्हारे के साथ भी मारपीट करेंगे और दुकान में आग लगा देंगे। ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने इनको वहाँ ओगड़ा से दुकान खाली कराने के लिए ये झूठा मुकदमा कराया है और जो कार इसमें इन्वॉल्व बताई है, उस कार का जीपीएस लोकेशन देख लिया जाए, वो 4 दिन से एक ही जगह खड़ी है, हिली भी नहीं है और इन्होंने उसमें कार में चारों जनों को आकर और ये घटना कारित करना बताया है, जो पूरी झूठी घटना है। कोर्ट ने ये इसमें अनुसंधान अब जारी है, इसमें कोर्ट ने इनको कोर्ट से ही रिहा करने का आदेश दे दिया, गिरफ्तारी अवैध थी इसलिए अब पुलिस अनुसंधान कर रही है और आगे जो भी अनुसंधान में सामने आ जाएगा, जो भी होगा हकीकत। मामला सर 13 तारीख का है, उस समय मैं दुकान पे मौजूद नहीं था। मेरे पास जो टॉपिक बंदा है वो काम करता है,
रोज़ के हिसाब से दुकान उसने खोल रखी थी। तभी ओगणा के 10-15 जने फराज और लड़के को मारते हुए हमारी दुकान की तरफ वो भागा जब जान बचाने के लिए, तो उन्होंने मेरी दुकान के अंदर घुस गए और कंप्यूटर लैपटॉप ये सारे प्रिंटर पटक दिए उस पर, टेबल कुर्सी और कैंपर फोड़ दिया। उसके बाद फिर इस बंदे को बाहर निकाला तो उन्होंने कैंपर फट गए और मुझे भी कहा तेरी दुकान खाली कर यहाँ से, इनको मियाँ भाई को इनका तेरी दुकान पर बैठने नहीं देना है। ये बात हुई सर। तौफिक मेरी दुकान पे पिछले 15 माह से काम कर रहा है। मोबाइल वाला फराज नाम से है, पास में उसकी मोबाइल की दुकान है। वो मोबाइल की दुकान खाली करने के संबंध में ये मामला हुआ है। एक्चुअल में ये मामला तो दुकान को लेकर था। दुकान में आपस में कंपटीशन है, इसके लिए इन्होंने ये दुकान खाली कराना चाहते थे। इनको काफ़ी टाइम से धमकियाँ भी दे रहे थे और उसके बाद एक दिन ये इकट्ठा होकर आए और इन्होंने जबरन ये झूठा पोक्सो का और ये मुकदमा बना के और इन्होंने इनके साथ मारपीट की और फिर ये झूठी कार्रवाई की इनके खिलाफ। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, होमली एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, एयर कंडीशनड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जैन सोसाइटी ग्रांट्स, 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गुरुवार को सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। राजस्थान में करीब 1,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड भी बनाया। सूर्य नमस्कार को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह 10:30 पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू हुआ। इस आयोजन में अभिभावक और स्कूल के स्टाफ भी शामिल हुए। स्कूलों में कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही सूर्य नमस्कार की सभी स्टेप्स का बारी बारी से विशेषज्ञों की देखरेख में अभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही योग से जुड़े शिक्षकों ने अलग अलग स्टेप्स करवाए। सूर्य नमस्कार को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाया जा रहा था। गुरुवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तय समय में कार्यक्रम शुरू हुआ। उदयपुर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी में भी सूर्य नमस्कार के दौरान उत्साह देखा गया। आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ के लिए बांसवाड़ा पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है। बांसवाड़ा संभाग के आईजी के आदेश पर प्रतापगढ़ पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अफीम डोडा चूरा तस्करों की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर लिया है। आरोपियों की प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इस कार्रवाई से अफीम तस्करों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का अफीम बेल्ट अफगानिस्तान तक जाने वाले तस्करों के गोल्डन रूट में शामिल है। इन क्षेत्रों में लगभग हर रोज नाकाबंदी में संदिग्ध अफीम तस्करी के आरोपी पकड़े जाते हैं। तस्कर इतने शातिर होते हैं कि कानून में गलियां निकालकर कई बार बच निकलते हैं। अब उन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रॉपर्टी फ्रीज करने जैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बांसवाड़ा संभाग के आईजी एस परिमिला ने संभाग के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी भी फ्रीज कर ली है। आईजी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में डोडाचूरा में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की अन्य प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि आरोपियों से एक अवैध देसी कट्टा और पिस्टल भी जब्त किया गया है, जिसको लेकर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की यह प्रॉपर्टी फ्रीज करने की आईजी एस परिमल की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार रेंज बांसवाड़ा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रतापगढ़ पुलिस के बड़ी कार्रवाई करके NDPS एक्ट धारा 68F के द्वारा 4 करोड़ का संपत्ति हमने फ्रीज किया है। इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स द्वारा ये नंदकिशोर पाटीदार है और जगदीश पाटीदार, अर्जुन और मकेंद्र 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नंदकिशोर पाटीदार घर से 778 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा चोरा हमने जब्त किया है और एक देशी कट्टा भी जब्त किया है।
ये अभियुक्त जगदीश पाटीदार पहले से चित्तौड़गढ़ में मुकदमा दर्ज है, उन्होंने 2012 से सक्रिय हैं। जगदीश पाटीदार पूर्व में भी जमानत पर रिहा कर पुनः तस्करी में लिप्त थे। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडा जी चौराया। चित्तौड़गढ़ में बसंत पंचमी पर महिला बाल चिकित्सालय में दो बच्चियों को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। महिला एवं बाल चिकित्सालय के पालन गृह की अचानक घंटी बजी तो वहां पर मौजूद स्टाफ पालनी की ओर दौड़ पड़ा। पालनी में नवजात बालिका थी। बालिका को SNCU वार्ड में भर्ती किया गया। इससे पहले 22 जनवरी को भी पालना गृह की घंटी बजी तो फिर एक नवजात बालिका मिली जिसे SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। शिशु रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर जयसी मीणा ने बताया कि दोनों ही शिशुओं का समय से पूर्व जन्म हुआ था। इसका वजन भी कम होने के साथ तापमान कम था। दोनों बालिकाएं अब स्वस्थ है और उसको बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल, सदस्य सीमा भारती गोस्वामी, नीता लोट को सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों बालिकाएं अब स्वस्थ है और उनको बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल, सदस्य सीमा भारती गोस्वामी, नीता लोट को सुपुर्द कर दिया गया है। अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बताया कि दोनों नवजात बालिकाओं का राजकीय शिशु गृह में स्वागत किया गया। इस दौरान शिशु गृह अधीक्षक चंद्रप्रकाश सिंगर, ANM मंजू चौधरी, ललिता गुर्जर, रितेश धारू, सुनीता आदि मौजूद थे। देखिए, दोनों ही बच्चियां समय से पूर्व जन्मी हुई थी और काफी कम वजन की थी। जब आई थी तब शरीर का तापमान कम था इनका और ऑक्सीजन का लेवल एक बच्चे में थोड़ा कम था। एक 14 तारीख को आई थी और एक 22 तारीख को आई थी। ठीक है ना, दोनों को बराबर न्यूट्रिशन मदर मिल्क पैक से मिल्क लेकर के इनको बराबर दिया जाता रहा है पहले दिन से ही। एक बच्ची में थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए करे थे जिनको ठीक कर लिया गया है और अब बच्चियाँ दोनों पूर्णतया स्वस्थ हैं। अच्छी तरह से 40-50 ml फीड हर दो तीन घंटे में ले रही हैं और पूर्णतया स्वस्थ हैं। आज पूर्णतया स्वस्थ होने पर बाल कल्याण समिति के मार्फत शिशु गृह चित्तौड़गढ़ में इन दोनों बच्चियों को सपोर्ट किया जा रहा है। पिछले महीने की बात है, दिनांक 13 एक को पालना घर में एक बच्ची को सुरक्षित परित्याग किया गया था। बच्ची कुछ दिनों के एक या दो दिन पहले ही जन्मी थी और उसका सुरक्षित परित्याग किया गया। बच्ची को यहाँ पर शिशु यूनिट में रखा गया और उसके पश्चात बच्ची आज स्वस्थ है, जिस पर बाल कल्याण समिति अपने संरक्षण में ले रही है उसे। एक बालिका हमें 21 तारीख को प्राप्त हुई, जनवरी माह की ही, जो भी सुरक्षित परित्याग हॉस्पिटल में ही शिशु पालना गृह जो है चलता है उसमें ही मिली। वो बच्ची कुछ 6 घंटे के लगभग की ही जन्म लिया हुआ था, जिसे भी आज हमने अपने संरक्षण में लिया है। बालिकाएं दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ है और आज बसंत पंचमी का पावन उत्सव के उपलक्ष में हम आज दोनों बच्चियों को शिशु गृह में आवासित करेंगे, राजकीय शिशु गृह में। दोनों बच्चियां अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। दोनों का वेट, एक का 1500 ग्राम के आसपास था और एक 17 के आसपास की बच्ची थी जिस वक्त हमें प्राप्त हुई। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना रेडा फला में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और शव के पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि थाना रेडा फला में एक युवक का शव रेल की पटरियों पर पड़ा होने की सूचना के बाद सदर थाना अधिकारी रमेश चंद्रमय जापते के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल कोतवाली थाना क्षेत्र का होने के बाद में थानाधिकारी अशोक कुमार मौके पर आए। मौके पर एक युवक ट्रेन से कटा हुआ था, वह शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। लोगों की मदद से शव को पुलिस ने डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के गांवों में जन प्रतिनिधियों को सूचना भिजवाई है और गुमशुदा लोगों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की बात।
लाइफ है ये, सिटी लाइफ है ये। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। छेड़छाड़ के आरोपियों के रिहा होने के बाद ओगड़ा कस्बे में तनाव, प्रदर्शनकारियों ने बंद करवाया कस्बा, एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े। सूर्य नमस्कार में दिखा उत्साह, योग क्रियाएं कर बच्चों ने महसूस की स्फूर्ति व ताजगी। डोडा चोरा तस्करों में हड़कंप, चार आरोपियों की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज, पासवाड़ा आईजी के आदेश पर कार्रवाई। और पालना ग्रह की घंटी बजी और गूंज उठी किलकारियां, दोनों बालिकाएं बाल कल्याण समिति को सौंपी गई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए News 91 पर। नमस्कार। बुलेटिन के प्रायोजक हैं SMB प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ, साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91, आवाज हम सबकी।